हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 8 का हिंदी डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, हिंदी में जो है हमने सभी मॉडल सेट और सभी प्रश्न उत्तर का जो है वीडियोस बना दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाने का दो तरीका है। यदि आप जो है हमारे चैनल के जो लोगो होता है उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में आपको वीडियोज़ के बगल में प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप उसको क्लिक करके वहां पर जा सकते हैं। या नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, और व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का भी आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा। यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं भविष्य में हमसे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका तरीका। अब हम आते हैं संधि में। ठीक है, संधि आज के इस वीडियो में हम लोग संधि को डिस्कस करेंगे। इस तरह के भी प्रश्न आपको, एक या दो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे कह रहा है, परोपकार का संधि क्या होगा। संधि का मतलब उसको तोड़ करके आपको लिखना है। ठीक है, तो उसको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अब जैसे पर में प्लस उपकार को जोड़ दिया है तब क्या बनेगा, परोपकार बनेगा। तो इसका आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा सभी सवाल। जो देखिए यहाँ पर, देखिए परोपकार लिख दिया, परोपकार। आप सोचेंगे क्या कि नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, इसको एकदम सही सही तोड़ा है, परोक तोड़ दिया है यहाँ से, अब परोपकार यहाँ से कर दिया है। ये गलत है। गलत इसलिए है, ना इसका ही कोई मतलब है ना इसका ही कोई मतलब है, मतलब वाले वर्ड होना चाहिए। और आप लोग हिंदी में इतना विद्वान है भी नहीं कि आप लोग पकड़ लीजिएगा इसका क्या मतलब है। तो इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस खोजता है, तो इसका प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, उत प्लस ज्वल की संधि से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, यानी इन दोनों को मिला देने से कौन सा वर्ड बनेगा, तो उज्ज्वल बनेगा। अब आप कहिएगा सर उत यहाँ पर है, ठीक है ना, तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। उज्ज्वल का अगर हो सकता है एग्ज़ाम में आपको उल्टा पूछ ले। प्रैक्टिस सेट में तो आपको दे दिया उत प्लस ज्वल, एग्ज़ाम में क्या बोलेगा, उज्ज्वल का संधि बताइए, है ना। तो उज्ज्वल का संधि क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल, यानी कि इसका ठीक ओपोजिट भी पूछ सकता है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा जगत प्लस इक्स, जगत प्लस इस, ये अब फेमस है, हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। तो जगत प्लस इसका मेल से बनने वाला नया सब क्या हो गया, जगदीश। या नहीं तो आपको एग्ज़ाम में कहेगा इस जगदीश का संधि करके बताइए, तो जगत प्लस इस। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद करके जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। सत प्लस जन, सज्जन, सत प्लस जन, सज्जन, ये तो इसका आंसर हो गया। या नहीं तो एग्ज़ाम में आपसे कहेगा कि सज्जन का बताइए कि संधि क्या होगा, तो सत प्लस जन, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा निर प्लस रोग, निरोग, निर प्लस रोग, निरोग, या नहीं तो निरोग का आपको बोल देगा संधि करने के लिए, तो आपको इस तरह से करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया संधि विच्छेद। चलिए नेक्स्ट है हमारा निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निराशा शब्द का संधि विच्छेद यानी आप तोड़ के बताना है, तो निह प्लस आशा। ठीक है, निह प्लस आशा, और निह प्लस आशा का संधि करने बोलेगा तो निराशा। ठीक है, तो इसका संधि भी पूछ सकता है, संधि विच्छेद भी पूछ सकता है। विच्छेद का मतलब तोड़िए, अब संधि करने बोलेगा तो जोड़िए, बात समझ गए। नेक्स्ट है हमारा विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी तोड़ के बताना है, तो विद्या प्लस आर्थी। ये बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन को ध्यान रखिए। विद्या प्लस क्या हो जाएगा, आर्थी, विद्यार्थी। या नहीं तो हो सकता है आपको विद्या प्लस आर्थी दे देगा, कहेगा इसका संधि कीजिए, तो विद्यार्थी कीजिएगा। ठीक है, उल्लास शब्द का निम्न में से कौन सा सही संधि विच्छेद है, तो उत प्लस लास, उत प्लस लास। अगर आपको दे देगा इसका, ये दे देगा, अब कहेगा इसका संधि कीजिए, तो उल्लास कीजिएगा, इन, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय का सही विच्छेद क्या होगा, तो विद्या प्लस आलय क्या होगा, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ठीक है, हो सकता है आपको ये दे दे और कहे आपसे कि आप इसका ये कर दीजिए, मैं संधि कर दीजिए यानी मिला दीजिए, तो आप लोग विद्यालय कीजिएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा कविंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कवि प्लस इंद्र होगा। ठीक है, या नहीं तो आपको ये दे देगा और कहेगा आपसे कि कवि इसका संधि कर दीजिए, तो आप इसको कविंद्र कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा निह प्लस छल, इसका क्या हो जाएगा, निश्छल हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो आपको इसे संधि विच्छेद करने बोलेगा, तो आपको संधि करने बोलेगा, तो इस तरह से कीजिएगा। कभी कभी होगा कि आपसे कह देगा कि निश्छल, है ना, निश्छल का क्या कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, तो निह प्लस छल कीजिएगा। ठीक है, रवि प्लस इंद्र का अगर संधि करने बोलेगा तो रविंद्र होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपसे रविंद्र दे दे और कह दे कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो रवि प्लस इंद्र कीजिएगा। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस पे होता है। उत प्लस श्वास की संधि का नया शब्द क्या होगा, तो उच्छावस होगा, ये भी फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम में। और उच्छावस का अगर संधि विच्छेद करने बोलेगा तो उत प्लस श्वास कीजिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यानी स्वागत को तोड़ना है तो सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सु प्लस क्या, आगत, स्वागत हो जाएगा। अगर इसका संधि करने बोलेगा तब ये होगा, और ये दे देगा संधि विच्छेद करने बोलेगा तो आपको ये करना है, ठीक है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी इसको तोड़ना है तो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि इत्यादि, ठीक है। तो ये उसका संधि विच्छेद हो गया। और हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको इति प्लस आदि दे दे और कह दे कि इसका संधि कीजिए, तब तो आपका इत्यादि आंसर होगा। यानी दोनों तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। या तो संधि करने देगा या संधि विच्छेद करने देगा। संधि करने का मतलब हो जाएगा उसको मिलाकर लिखना होगा, संधि विच्छेद करने का मतलब हो जाएगा उसको तोड़कर लिखना होगा। और आप ऐसे वैसे नहीं तोड़ सकते, उसका हाथ पैर ऐसा तोड़ना है कि मीनिंगफुल रहे, ठीक है, यानी वो जिंदा रहे, पूरा पूरा तोड़कर उसको मार नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर यदि पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे, ठीक है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पर जाइए, आपके लिए 60 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिया गया है टर्म वन एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए, टर्म टू एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।